हेलो फ्रेंड्स, होली के सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल गुजिया। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आज ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह से बनाइएगा ना तो आपकी गुजिया बहुत टाइट बनेगी और ना ही आपकी गुजिया बहुत लूज़ अजीब सी बनेगी। मोइन का बिल्कुल ठीक यूज़ करना है हमने। सब कुछ हमने परफेक्ट क्वान्टिटी के साथ ही डालना है। यहाँ तक कि मैंने जो मावा बनाया है वह मावा भी मैंने घर में ही बनाया है। 2 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, उसको हम पकाते रहेंगे और चलाना है हमने इसको कंटिन्यूसली। और दूध को पैन में या कढ़ाई में डालने से पहले हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि दूध हमारा कढ़ाई में चिपके ना। बस जितना हम इसको पकाते रहेंगे, पकते पकते लास्ट में इस तरह से हो जाएगा और आपको मावे के रूप में मिल जाएगा। होली के गुजिया बनाने के लिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, बस चिरौंजी का यूज़ करती हूँ। लेकिन चिरौंजी मिल नहीं पा रही थी, उसके मार्केट में थोड़ी शॉर्टेज दिख रही थी, उसकी वजह से मैं नहीं ला पाई। देखिए मेरा खोया बनके तैयार है। घर में बनाया हुआ ये जो खोया है एकदम फ्रेश है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। होली के टाइम पे हम मार्केट से जो खोया लेते हैं उसमें बहुत तरह की मिलावट का डर होता है। इसके लिए मैंने 150 ग्राम गुजिया बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम नारियल के चूरे को, नारियल को गोले को कसकर उसको नारियल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। और ये जो खोया है मेरा 3 पाव के आसपास बन गया था 2 लीटर मिल्क में, जिसपे कि आधा किलो का जो पैकेट आता है वो बूरा डाल दिया है। और 150 ग्राम मैंने नारियल का चूरा लिया है, उसको भी हम इन सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे। और 50 ग्राम के आसपास मैंने किशमिश ली है और 100 ग्राम के आसपास मैंने बादाम लिया है। बादाम को भी मैंने ग्रेट कर लिया बारीक बारीक, किशमिश को भी कर लिया। इन सब चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे और नारियल के चूरे को भी हमने रोस्ट कर लेना है। जिस नाप से मैं ये वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ इसी नाप से मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था, तो उसमें हमारा 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हमारा इसमें जाएगा वेजिटेबल ऑयल मोइन। अब हम जब इसका आटा बनाते हैं तो इसका आटा बनाने में हमें इसको पानी डाल के सीधा गूंदना शुरू नहीं करना होता है कि हमने उसमें वेजिटेबल ऑयल डाला, साथ में पानी डाल दिया और हमने गूंदना शुरू कर दिया। उसकी वजह से गुजिया को जो बाहर का जो ये बनता है, जो परत बनती है, वो बहुत ख़राब बनती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जितना हमने वेजिटेबल ऑयल डाला है उस वेजिटेबल ऑयल को पहले हम मसल मसल के आटे के साथ बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और जब मिक्सिंग करने के बाद आपको आटा इस रूप में दिखने लग जाए, बंधने लग जाए वो हाथ में, तो आपका आटा तैयार हो चुका है। बस फिर आप पानी डाल के थोड़ा टाइट सा आटा लगा के 10 से 15 मिनट के लिए उसे किसी मलमल के कपड़े से थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए ढककर रख दीजिए। मसाला हमारा तैयार हो ही चुका था, मावा हम घर में बना ही चुके हैं। बस एक सांचा लीजिए, मशीन लीजिए इसको गुजिया बनाने के, उसमें बेल लीजिए पतली पतली पूरियां जैसी, उसको रखिए। बीच में आप मसाला डालिए और साइडों में आप पानी लगाइएगा। पानी लगाने से जो ये हमारे मसाले की जो गुजिया है ये बिल्कुल भी फटती नहीं कहीं से भी। और आप टाइट बंद कर दीजिएगा और पानी लगा के इसको लीक प्रूफ कर दीजिएगा। बस हमारी गुजिया फ्राई करेंगे तैयार हो जाएगी और पूरा आपका जो तेल है थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होगा। पानी लगा के चिपकने का जो काम है ना बहुत अच्छा होता है, एक भी गुजिया फटती नहीं है। बस होली में आप इस तरह से गुजिया बनाइए, खाइए, मज़े कीजिए। अब ये त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारे रंग लेकर आए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और आप सब मुझे प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। बस हमने फ्राई कर लिया, पहले हमने वेजिटेबल ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उससे क्या होता है, एकदम से हमारा जो अंदर का मसाला है वो जलेगा भी नहीं और हमारी फ्राई भी बहुत अच्छी होगी। इतनी खस्ता, इतनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार होती है कि जब आप इनको खाते हैं और आप खिलाते हैं तो सामने वाला आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने बनाई किस तरह से है। इतनी टेस्टी, इतनी बढ़िया, इतनी लाजवाब, इतनी खस्ता, ना तो वो टाइट होती है, ना वो पतली होती है, ना ही वो लूज़ होती है। हो सकता है कैमरे की क्वालिटी या लाइट की वजह से आपको ये गुजिया का कलर अच्छा सा ना दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी है। और देखिए कितनी अच्छी बनी है, सॉफ्ट, एकदम बढ़िया सी खस्ता गुजिया, और तैयार है। आप इस तरह से गुजिया बनाइए और होली में इंजॉय कीजिए, सबको खिलाइए, खूब सारी गुजिया खुद भी खाइए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।